तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाला है इग्नू का जो है ग्रेड कार्ड किस तरह डाउनलोड करेंगे, यानी अपना रिजल्ट जो है ग्रेड कार्ड में किस तरह देखेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन में। उससे पहले अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, कमेंट कर दिए। और मैं थोड़ा न्यू हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और उस वीडियो का फायदा जल्द से जल्द आप ले पाएंगे। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं क्या इग्नू का ग्रेड कार्ड किस तरह डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर में से किसी एक पे आ जाना है। आने के बाद आपको सर्च कर लेना है इग्नू स्टूडेंट स्टेटस। देखिए हम पहले से लेकर सर्च किए हुए थे, इस पे आ जाना है। इग्नू स्टूडेंट स्टेटस पे जैसे आइएगा आपको फर्स्ट में ही आ जाएगा नो योर एडमिशन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इग्नू, इस पे आ जाने का। ये फर्स्ट है, इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आ जाइएगा। ये देख सकते हैं इग्नू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे आने के बाद आपको सर्च यहाँ पे लिख लेना है एनरोलमेंट नंबर, अपना एनरोलमेंट नंबर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है कोड डाल लेना, प्रोग्राम कोड आपका क्या है, प्रोग्राम कोड डाल लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे कैप्चर है, कैप्चर डाल लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे सबमिट क्लिक कर लेना है। सबमिट पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपको जो है आपका जो लॉगिन आईडी लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो आप यहाँ देख पाएंगे रिजल्ट में यहाँ पे ग्रेड कार्ड दिखेगा। रिजल्ट में जैसे ग्रेड कार्ड पे क्लिक कीजिएगा आपको जो है आपका ग्रेड कार्ड दिखने लगेगा, किस रिजल्ट में कितना नंबर आया, किस में असाइनमेंट में कितना आया, रिजल्ट थ्योरी में कितना आया, कौन सा कंप्लीट है, कौन सा कंप्लीट नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि ग्रेड कार्ड किस तरह इग्नू का डाउनलोड करना है। तो इस हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, लाइक कर दिए और कमेंट कर दिए। धन्यवाद।